आज हम लोग इस विषय में ध्यान देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम कॉन्फेशन करें। क्या रहता है कॉन्फेशन? अपने पापों को मानना, स्वीकार करना क्या रहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत देश के फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब वो जवान हुए तो उनके मन में ये वो बड़ा क्षमा भाव आने लगा, एक आत्मग्लानी होने लगी, कन्विक्ट होने लगा उनका हृदय कि उन्होंने बचपन में जो गलत काम किए, माँ बाप से झूठ बोला, पिताजी की आज्ञा नहीं मानी, पिताजी को धोखा दिया, बोला स्कूल जा रहा है, कहीं और चले गए, क्लासेस बंक कर दिए और अलग अलग प्रकार का। तो एक दिन उन्होंने अपनी एक लेख में लिखा है कि एक दिन उन्होंने अपने पिता के पास वो गए और उनकी अपनी सारी गलतियों को, पापों को याद किया और अपने पिता से क्षमा मांगा कि पिताजी मैंने ये पाप किए हैं, मैंने आपकी ये आज्ञा नहीं मानी, मैंने आपको ये बातों में धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए करके, हाथ जोड़ के उन्होंने अपने पिताजी से क्षमा मांगे और उनके आँखों से आंसू बहने लगे। उनके पिता का दिल प्यार से भर गया और कहने लगे, अरे बेटे धन्यवाद, तुमने अपने पाप को स्वीकार किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, परंतु मुझे एहसास है, मुझे इस बात का खुशी है कि तुमने अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उसको एडमिट किया, उसको स्वीकार किया, उसको एक्नॉलेज किया और कहा कि आगे से मैं सत्य के रास्ते में सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, वो आपकी आज्ञाओं को मानूँगा करके स्वीकार किया। तो ये मेरे दिल को खुशी से, आनंद से भर देती है। और गांधी जी ने कहा कि उस दिन जब मैंने अपने पिता से क्षमा मांगी, उस दिन मेरे दिल में इतनी शांति, खुशी, आनंद आ गया कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगा कि जैसे एक कमरे में बहुत गंदगी भरी हुई है, धूल धड़ाका है, गंदगी है, और जैसे उस गंदे कमरे को, धूल भरे कमरे को जब हम झाड़ू लगा के या वैक्यूम क्लीनर से जब साफ कर देते हैं, कैसा साफ सुथरा हो जाता है, वैसे ही मेरा दिल, दिमाग और मेरा शरीर हो गया जब मैंने अपने पिता से माफ़ी मांगी। मेरे प्रियो, कई बार आपने भी देखा होगा आपके जीवन में, चाहे आप स्टूडेंट रहे हो, स्टूडेंट हो अभी, या जवान हो, या अधेड़ हो, या नौकरी पेशा हो, या माँ बाप हो, आपने कई गलतियाँ, गड़बड़ियाँ की हो, जाने अनजाने में गलतियाँ, पाप हो गए हो, तो आपके लिए क्या उपाय है? कई लोग यही विलाप करते रहते, यही बात से दुखी रहते, अरे मैं तो पापी बहुत हूँ, मैंने बहुत पाप किए, मुझे क्षमा नहीं मिल सकती। नहीं नहीं नहीं, ओ हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा क्रिएटर क्षमा करने के लिए सदैव तैयार है, रहेगा, रहता है, इज ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 86 उसके 5वें वचन में कि अवर लॉर्ड इज रेडी टू फॉरगिव व्हेन वी एक्नॉलेज अवर सिंस, व्हेन वी कम बिफोर हिम एंड से लॉर्ड फादर आई हैव सिंड अगेंस्ट यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओ वो क्षमा कर देगा,
बाइबल में दिया हुआ है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंजेस अस फ्रॉम ऑल सिंस। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने गलतियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, अपने ओ वैवाहिक जीवन में, अपने ओ छात्र जीवन में, यीशु से मांग ले, अपने जवानी में, अपने बुढ़ापे में, अपनी अधेड़ अवस्था में यीशु से क्षमा मांग लें। पहला योन्ना पहला अध्याय और 7वां वचन से लेकर 9वें वचन में लिखा हुआ है, पहला योन्ना पहला अध्याय 7 से लेकर 9वां वचन कहता है, परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। खुशखबरी मेरे भाई मेरी बहन, खुशखबरी, शुभ संदेश आपके लिए कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। 10वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, जब भी आप मेरे भाई मेरी बहन, मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, वो जब भी आप गलतियां करें, पाप करें, अपराध करें, अधर्म करें, वो गड़बड़ियां करें, यीशु के पास चले आए, उसके पास चले आए, वो अपनी बाहें फैलाए हुए आपका इंतज़ार कर रहा है। वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपने पापों को मान ले, अपने पापों को स्वीकार कर ले। हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, ये मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उससे मांग ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल, जीसस क्राइस्ट इज फेथफुल, इज राइटियस। वो धर्मी है शुद्ध स्पाक पवित्र करने के लिए। हालेलुया, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसका 13वां वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में नीति वचन 28 और उसका 13वां वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब प्रथम मानव आदम, प्रथम नर प्रथम नारी आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा था सब पेड़ों के फल से खा सकते हो, का पेड़ों का फल खा सकते हो, परंतु एक हो कि पेड़ का फल नहीं खा सकते। मेरे प्रियो, परंतु उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। ओ उस वाला फल जो था, वो पेड़ जो था, बुरे और अच्छे का ज्ञान का वो फल था, परंतु उनको मना किया था परमेश्वर से, नहीं खाना, जिस दिन खाओगे तो मर जाओगे, परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और वो सांप ने उनको बहकाया, धोखा किया, झूठ बोला कि नहीं नहीं तुम परमेश्वर समान बन जाओगे। अरे उन्होंने देखा, ओ हवा ने कि बड़ा सुंदर है, उसे लगा बड़ा स्वादिष्ट होगा, कई ढेर सारे और भी पेड़ और फल थे, परंतु एक ही फल को बोला था नहीं खाना, परंतु हवा और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वो उससे क्या हुआ, आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ उनका संबंध
टूट गया परमेश्वर रोज उनसे बात करने के लिए आता था। ओ हालेलुया, परंतु ये पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता उनकी दूर हो गई। अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ओ बाइबल में और भी दिया हुआ है, यर्मिया की किताब उसका 3रा अध्याय, वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं, हालेलुया, कितने प्यार से कह रहे हैं यर्मिया 3रा अध्याय उसका 12वां 13, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूँगा। केवल क्या करना है आपको, परमेश्वर कह रहा है कि मैं वो सर्वदा क्रोधित नहीं रहेगा, वो सर्वदा क्रोध ना रखे रहेगा, परंतु केवल हमको क्या करना है, 13वां पद में दिया हुआ, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई, और तू सब ओ इधर उधर दूसरों के पास, देवी देवताओं के पास गई, मेरी बातों को नहीं माना। परमेश्वर की यही वाणी है, ओ लौट आए, अपने अधर्म को मान ले, ओ परमेश्वर क्षमा कर देगा, वो क्षमा की खानी और दया का सागर है। एक और वचन बड़ा सुंदर हम पढ़ेंगे, यह यहेजकेल का किताब उसका 18वां अध्याय। ओ मेरे प्रियो, बाइबल आप ज़रूर पढ़िए, ये बुद्धि की किताब है, ये ज्ञान की किताब है, ये शांति की, आनंद की, अनंत जीवन की किताब है। यहेजकेल 18 उसका 30 और 31 में वचन में दिया हुआ है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पछताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा, और अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। जो भी आपने गलतियाँ की है, हो सकता है व्यभिचार किया हो, प्रोनोग्राफी की हो, वो झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, अन्याय किया हो, अनैतिक संबंध रखे हो, चोरी की हो, झूठ बोला हो, हत्या की हो, लालच किया हो, व्यभिचार किया हो, परमेश्वर से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है, एवरीथिंग इज नेकेड बिफोर हिम, इब्रानियों 4:13 में लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज नेकेड बिफोर हिम, सब कुछ दुनिया में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर की आँखों के सामने खुला हुआ है, उससे कोई बात नहीं छिप सकती, कोई काम नहीं छिप सकता। ओ लिखा हुआ है यहेजकेल 18:31 में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। यीशु से कहें, यीशु मेरा पत्थर का दिल हटा के आप मेरी हार्ट सर्जरी कर दीजिए, मुझे मांस का कोमल दिल दे दीजिए, क्योंकि यह यहेजकेल 36 और उसके 26 में यीशु मसीह ने वादा किया, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है, परमेश्वर हमको मांस का निर्मल शुद्ध हृदय देना वो चाह रहा है, उसके गिफ्ट को, उसके उपहार को ले ले। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे शुद्ध और साफ कर। भजन संहिता 32:5 में ओ लिखा हुआ है, भजन संहिता 32:5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। वो विश्वास योग्य धर्मी है आपके सब अधर्म पाप अपराध को क्षमा करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए,
क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लींजेस अस फ्रॉम ऑल सिन। भजन संहिता 51 में भी बड़ा खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। भजन संहिता 51 और उसका 7वां वचन वहाँ लिखा हुआ है। भजन संहिता 51 अध्याय 7वां वचन, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी, हिम मतलब बर्फ से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। हालेलुया। ओ जूफा से, जूफा मतलब वो जो हिसॉप बोलते हैं इंग्लिश में। ओ गॉड विल मेक यू क्लीन, ओ मेक यू क्लीन। हाउ गुड द लॉर्ड इज, हाउ ग्रेशियस, हाउ ग्रेट द लॉर्ड इज, ही विल वॉश अवे ऑल अवर सिन, ही विल मेक अस वाइट एज स्नो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बिकॉज जीसस इज गुड एंड ही डज गुड। हालेलुया, वो आपके लिए भलाई करेगा। Yo, Psalms 51 verse 7, purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow. मेरे प्रियो, क्या करना है? जिस प्रकार से बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, उड़ाव पुत्र लूका 15 के अनुसार वो अपने पिता के पास आया, जब वो अपनी संपत्ति लेके दूसरे देश में चला गया और अपने वो पापपूर्ण आदतों में उसे सब संपत्ति को, पैसों को उड़ा दिया, परंतु जब वो अपने आपे में आया, when he came into himself, when he realized, oh, he has sinned against God, he has sinned against his father, he returned, वो लौट आया, क्योंकि वहाँ जहाँ वो पाप में उसने अपना भोग विलास में उड़ा दिया अपनी संपत्ति, वहाँ पर अकाल पड़ा और उसे सुअरों के साथ, जो सुअर फल्ली खाते हैं उनको चराते चराते उनका जो भोजन है उस का वो खाने लगा। तब उसे याद आया, अरे मेरे पिता के यहाँ नौकर भी कितने अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ कहाँ, ओ बड़ा मुश्किल में हूँ, भूख से मर रहा हूँ, ओ कितना ओ गंदा खाना मुझे सुअरों का खाना मिल रहा है, सुअरों को चराने जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, वो अपने पिता के पास आया, पिता ने उसे दूरी से देखकर दौड़ा उसकी ओर और अपने उड़ाओ पुत्र को, अपने बदमाश पुत्र को गले से लगा लिया और उसे बहुत चूमा। उसके शरीर से, वो उड़ाओ पुत्र के शरीर से बास आ रही होगी, बदबू आ रही होगी, कई दिनों से वो नहाया नहीं था, सुअरों को चराता था, सुअरों के साथ रहता था, गंदगी, गंदा कपड़े भी धुले नहीं होंगे, फटे पुराने कपड़े, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, खाने पीने को पैसे नहीं। मेरे प्रियो, फिर भी वो पिता का दिल देखिए, प्यार से, करुणा से, कोमलता से भरा हुआ, वो filled with love, filled with compassion, filled with mercy, because our Lord is gracious. भजन संहिता 86:15 में लिखा हुआ, भजन संहिता 103:8 वचन में लिखा हुआ, भजन संहिता 111:4 वचन में लिखा हुआ, भजन संहिता 116:5 वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 145:8 वचन में लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज ग्रेशियस एंड ही इज फुल ऑफ कंपैशन। प्रभु यहोवा हमारा अनुग्रहकारी है और पूरा तरस से भरा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे पियो, उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर के पास आ जाइए, मान लीजिए वो आपको शुद्ध कर देगा, हिम के समान, बर्फ के समान आप श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आपने दूसरों के विरोध में, दूसरे लोगों को के विरोध में, हो सकता है आपके परिवार के सदस्यों के विरोध में, रिश्तेदारों को आपने धोखा दिया हो, परिवार वालों को, भाई अपने खुद के भाई बहन को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, माता पिता को आपने
धोखा दिया हो, रिश्तेदारों को धोखा दिया हो, ओ मान ले परमेश्वर से अपने पापों को। और साथ ही साथ याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और वो उसका 16वें वचन में लिखा हुआ है, याकूब बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे कि चंगे हो जाओ और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या लिखा हुआ, जिससे कि तुम चंगे हो जाए। कई बीमारियां हमारे ऊपर जो आती हैं वो हमारे पापों के कारण आती है। सब बीमारियां नहीं, परंतु कुछ कुछ बीमारियां आप देखेंगे, अरे आप दवाई ले रहे हैं, आप एक्सरे करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, परंतु डॉक्टर बोल रहे हैं अरे कुछ तो बीमारी नहीं है, मगर फिर भी आपको वो दर्द है, फिर भी वो आपको वो स्वेलिंग है, फिर भी आपको वो जलन है। क्या कारण है, पेट आप में पचा नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं पता नहीं, सब तो रिपोर्ट्स नॉर्मल है, परंतु क्या। मेरे प्रियो मान ले, इंग्लिश में दिया हुआ है जेम्स चैप्टर 5:16, कॉन्फेस योर ट्रेसपासेस टू वन अनदर, प्रे फॉर अनदर वन अनदर, कॉन्फेस योर ट्रेसपासेस टू वन अनदर एंड प्रे फॉर वन अनदर दैट यू मे बी हील्ड। द इफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर ऑफ ए राइटियस मैन अवेल्स मच। हालेलुया। वो आपको पापों से वो मुक्ति देने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, आपके पाप को क्षमा कर देगा। तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा। वो उस खलवरी के क्रूस पर देखिए यीशु को निसहाय वहाँ पर, दोनों हाथों में दोनों पैरों में कीले हैं, सिर में कांटों का ताज गड़ा दिया गया, खूना खून, दर्द से भरा हुआ, भयानक दर्द, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, जीसस इज सफरिंग। वो सहरा है वो भयानक दर्द को, फिर भी वो कह रहा है, विनती कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब उनको क्षमा कर दिया तो आपको क्यों नहीं क्षमा करेगा, वो आपका पिता है। ओ जब संसारिक पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देता है, चाहे कितनी भी गलतियां गड़बड़ियां क्यों ना किया हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता जिसने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन आपके लिए दी, अपना सारा खून, खून की आखिरी बूंद आपके लिए बहा दी, तो क्यों वो क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आइए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने खून से मुझे धो दे। और आपका वचन कहता है, पहला योहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, साफ करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंजेस अस, वॉशेस अस फ्रॉम ऑल सिंस, वी आर वाइटर देन स्नो। ओ हम बर्फ के समान श्वेत हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा, एक नजर कलवरी पर तुल दे, एक नजर तू कलवरी पर दे। हालेलुया। तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया।
प्यारे यीशु, हर एक भाई हर एक बहन जो इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, वो जब वो पापों को मान रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां की है, गड़बड़ियां किया है, वो चोरियां की है, धोखाधड़ी, अन्याय किया है, झूठ बोला है, वो अनैतिक संबंध रखे हैं पिता, व्यभिचार किया है, वो चोरी की है, हत्या की है पिता, वो लालच किया है, आपकी आज्ञा नहीं मानी, उन सबको क्षमा कर दीजिए, क्षमा के खानी, दया के सागर यीशु, मदद कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद आप ऐसा कर रहे हैं आपके पवित्र करने वाले नाम में। आपने कहा है मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, लेवस्ता 22वां अध्याय 32वें वचन में आपने कहा है, और पहला पत्रस पहला अध्याय 16वें वचन में आपने कहा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। हालेलुया, ओ वो पवित्रता से शोभायमान होकर आपकी आराधना उपासना कर सके। पिता मैं प्रार्थना करता मेरे भाई मेरी बहन वो जो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं उनको पवित्र कर दीजिए पिता, ओ क्योंकि बिना पवित्रता के आपको कोई नहीं देख सकता। इब्रानियों 12वां अध्याय 14वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, ओ भजन संहिता 29:2 में लिखा हुआ है यहोवा की नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ओ वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। हालेलुया, यस उसकी पवित्रता की ओ हालेलुया खोज करो। ओ हालेलुया पवित्रता से हालेलुया ओ शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। हालेलुया, बिकॉज द लॉर्ड इज गुड, द लॉर्ड इज ग्रेशियस, द लॉर्ड इज ग्रेट। प्रभु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अद्वितीय है, यीशु अलौकिक है, यीशु अनोखा है। हालेलुया, यीशु अच्छा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ यीशु के हम पवित्र करने वाले, शुद्ध करने वाले, साफ करने वाले, क्षमा करने वाले नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाइयों बहनों, एक बार की बात है, एक छोटी लड़की वो अपने घर में अपने पिता के साथ माता के साथ रहती थी, और उसके पापा ने एक दिन बोला बेटी आज हम एक वो खुशी का दिन मनाने जा रहे हैं क्योंकि इसी दिन मुझे नौकरी लगी थी, और बोले कि हम केक बनाने जा रहे हैं और केक के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना है, तो आप ऐसा करो कि आप जाओ गाड़ी से, और गाड़ी का जो कांच है वो ख़राब हो गया है, तो वो बंद है, तो कांच को नहीं खोलना, कार के कांच को, ठीक है। और पापा को बोली हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी करके, और वो बड़ी खुशी से जाने लगी, और उसने सोचा अरे वाह मैं अकेले कार को ड्राइव करूँगी कितना अच्छा है, क्योंकि उनको नया नया ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और वो छोटी लड़की थी, मतलब नया नया कार चलाना सीखा, तो उत्सुकता रहती है वो कि मैं उमंग रहती है कि मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कार चलाऊँ। तो पापा उसको बोल रहे हैं जाओ करके, और बोला कि जल्दी से तुम दुकान जाना और दुकान से आ जाना, और कहीं अपने मित्रों को अपने साथ बैठा के नहीं ले जाना। उसने कहा ठीक है, और वो खिड़की को नहीं खोलना अपने दाईं साइड के क्योंकि वो ख़राब हो गया है और मैंने उसको बड़े मुश्किल से बंद किया है। वो लड़की बोली हाँ पापा ठीक है, और वो कार लेते हुए को चलाते हुए चली गई, और फिर उसे याद आया अरे मेरी दोस्त रहती है रास्ते में, चलो उसको भी मैं ले चलती हूँ सुपरमार्केट में, हम लोग वो केक बनाने का ड्राई फ्रूट्स वो सब खरीद लेंगे। पापा ने बोला है कोई बात नहीं, अरे मैं अपनी दोस्त को ले जा रही हूँ करके, पापा ने तो मना किया है, ओ नहीं नहीं मैं नहीं मानती करके, मैं अपनी दोस्त को ले जाऊँगी। और वो बड़ी बड़ी खुशी से आती है उसके अपनी दोस्त के घर, और उसको कार का हॉर्न बजा के बुलाती है अरे आओ चलो हम मार्केट से आएंगे। उसकी दोस्त बैठ जाती है, और उस दिन
बड़ा अच्छा सुहावना मौसम था, अच्छी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी स्प्रिंग का क्लाइमेट था, ओ बड़ी हरियाली थी, तो हवा, ओ नेचुरल एयर। उसकी दोस्त ने कहा, अरे कितनी अच्छी हवा आ रही है, तुमने अपने साइड का विंडो क्यों बंद किया हुआ है भाई? उसने कहा, नहीं मेरे पापा ने बोला है कि वो जो खिड़की है कार की वो ख़राब हो गई है, तो उन्होंने कैसे भी करके बंद किया है, उसको खोलना नहीं तो वो ग्लास ख़राब होकर टूट जाएगा। उसकी दोस्त ने कहा, अरे अरे खोलो, इतनी अच्छी शुद्ध हवा, साफ हवा आ रही है, ताज़ी हवा आ रही है, इतनी अच्छी लग रहा है करके। तो उसने क्या किया, वो लड़की ने वो खिड़की को खोल दिया, और जैसे ही खोला वो कांच तो गड़बड़ था, वो कांच टूट के सड़क पर गिर गया, और उसे बड़ा दुख लगा, डर लगा, अब क्या होगा। जल्दी जल्दी गाड़ी गई मार्केट, और मार्केट से ड्राई फ्रूट खरीदी, और अपनी दोस्त को छोड़ा, और डरते डरते अपने घर आई। और परंतु देखिए, अब उसका एक्शन देखिए, उसको मालूम था, उसे डर लग रहा था, अरे पिता ने बोला था कांच नहीं खोलना, खिड़की कार का वो ख़राब है, टूट जाएगा, परंतु उसने आज्ञा नहीं मानी और तोड़ दिया। और उसका एक्शन देखिए, वो तुरंत आई अपने घर में और भागते हुए अपने पिता के पास गई, डैडी डैडी। उसके डैडी ने बोला, हाँ बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा, पापा मैंने, डैडी मैंने वो बड़ी गलती कर दी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, और मैं अपनी दोस्त को ले गई रास्ते में, उसने कहा कि वो खिड़की खोल दे, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और हमने खोला और वो खिड़की का जो कांच आपने जैसा कहा था कि टूट जाएगा, उसके खोलना नहीं, हमने खोला और वो गिर गया, टूट गया। उसके पापा को तो गुस्सा आया, परंतु अपनी बेटी के आंसुओं को देखा कि मेरी बेटी रो रही है, और बड़ी ओ निर्मलता से क्षमा मांग रही है, कि अपनी गलती स्वीकार कर रही है, बता रही है, वो छिपा नहीं रही है। हो सकता है कि वो छिपाने के लिए, हो सकता है शायद किसी मैकेनिक के पास जाती, जब ऐसी गड़बड़ हो गया तो और कितना टाइम लगता ये होता, परंतु उसको मालूम था मेरे पापा इंतज़ार कर रहे हैं, केक बनाने वाले हैं, वो ड्राई फ्रूट्स की जल्दी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, उसके पापा ने क्या किया, बोला, कोई बात नहीं बेटी, दोबारा ऐसा नहीं करना। और उसकी बेटी बड़ी खुश हुई, अरे मेरे पापा ने तो क्षमा कर दिया। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही कुछ सिचुएशन आया कि घर में कुछ लोग एक स्पेशल डिश बना रहे थे, और कुछ सामग्री मैदे का कमी हो गई, तो पापा तो बिज़ी थे ये सब बनाने में और मम्मी का हेल्प करने में, तो उसने अपनी बेटी को बुलाया और फिर से चाबी दे दी कार की, बोली जाओ ले आओ करके। सोचिए, एक पिता का दिल, संसारिक पिता का दिल, लड़की ने गड़बड़ी की, गलती की, कांच टूटा, पैसों का नुकसान हुआ, परंतु वो फिर से पापा ने उसको कार चलाने के लिए मौका दिया। लड़की सोच रही थी, बेटी सोच रही थी, पापा मेरे को दोबारा मौका नहीं देंगे, परंतु प्यार भरे पापा का दिल देखिए, क्षमा करने के लिए तैयार, दूसरा मौका देने के लिए तैयार। आपके जीवन में भी मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, गॉड विल गिव यू सेकेंड चांसेस, अनदर चांस, ही विल ब्रिंग मिरेकल्स आउट ऑफ योर मिस्टेक, ही विल ब्रिंग म्यूजिक आउट ऑफ योर मेस। आपने गलतियां, गड़बड़ियां किए हो, आपको बस यही करना है, कॉन्फेस करना है, पछताप करना है, स्वीकार करना है, यू हैव टू एक्नॉलेज, यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक्स, योर सिंस, एंड जीसस क्राइस्ट इज फेथफुल टू फॉरगिव यू, क्लेंज यू, टू वॉश यू वाइट एज स्नो। अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए, मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु,
तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, आमेन। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी। आप हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, यीशु जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, वी प्रेज यू। यूहन्ना 1:29 के अनुसार, जॉन चैप्टर 1:29 सेज, द बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड दैट टेक्स अवे द सिंस ऑफ द होल वर्ल्ड, वो सारे संसार के पापों को उठा ले जाता है, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह, द लैम्ब ऑफ गॉड, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, द लिली ऑफ द वैली, द किंग ऑफ ऑल किंग्स, द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, हालेलुया, द वन हु इज, द वन हु वाज, द वन हु इज टू कम, द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगनिंग एंड द एंड, ओ हालेलुया, वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, थैंक यू जीसस, आमेन, 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 आमेन।